हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप में से काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं क्या वो इस रिश्ते में सीरियस हैं, ठीक है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कन्फ्यूजन होता है कि मेरा पार्टनर मुझे लेकर सीरियस है भी या मुझे सिर्फ लगता है, यह सब चीज़ें वन साइडेड हो रही हैं। तो आपके मन में एक डाउट आता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए सीरियस है या नहीं, ठीक है। तो ये रीडिंग का आज टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम आज रीडिंग करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोच कर ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी, जिस व्यक्ति को सोच कर आप ये वीडियो देखेंगे उसकी एनर्जी से रेजोनेट करेगी। क्या वो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करते हैं, सीरियस हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म बेसिस पे देख रहे हैं, फेक तो नहीं है, प्लीज़ गाइड करें। सीरियस हैं इस रिश्ते में, लॉन्ग टर्म बेसिस पे देख रहे हैं इस रिश्ते को, ओके। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, सभी कार्ड्स आ जाएंगे। रीडिंग शुरू करने के पहले फटाफट बता दूं कि आज सुबह कमेंट में, दोपहर में आई थिंक, कुछ फेक टैरोट विद एम सिंह लिखकर कमेंट आपके कमेंट के नीचे आए होंगे। तो मैं कभी भी कमेंट में अपना नंबर नहीं देती हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी हफ्ते में जो मेरा ऐड आता है एक बार, उसी में मेरी ओवर बुकिंग हो जाती है। तो मुझे कभी भी कमेंट के नीचे नंबर देने की या ऐसा कुछ कार्य करने की नीड नहीं है। तो कभी भी आपके कमेंट के नीचे कोई भी नंबर आया करे, जैसे कि आज आया होगा काफ़ी लोगों को। कुछ लोग तो जानते हैं कि वो फेक है, और वैसे भी मुझे चाइनीज़ जापानीज़ नहीं आती, उसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, वो लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको बातें कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस, क्योंकि आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करिए, उसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो मेरे अबाउट में है, टैरोट विद एम सिंह, जहाँ मेरी फ़ोटो लगी है उसी के नीचे आपको नंबर दिख जाएगा, मेरा एकमात्र नंबर है। बाकी आप कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, मेरी फ़ोटो लगाकर कोई कुछ भी करवा रहा है, तो उसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। सो प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ बी अवेयर। आप कहें तो एक बार मैं अपना नंबर बोल भी दूँगी, दैट इज़ 8840987101। दिस इज़ माई वन एंड ओनली प्रोफेशनल नंबर, ऑफिशियल नंबर, जिस पर बुकिंग होती है। इसके अलावा मेरी बुकिंग कहीं नहीं होती, ना टेलीग्राम, ना इंस्टाग्राम, ना और कोई ग्राम, कहीं नहीं होती मेरी बुकिंग, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे होती है, ठीक है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा, अदरवाइज़ अगर मैंने 2-3 दिन और देखा कि अगर कोई रिप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को, तो मुझे मजबूरन, जो कि मैं नहीं करना चाहती, कमेंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की सेफ्टी मेरे लिए सबसे ऊपर है। तो मैं नहीं चाहती किसी की मेहनत की 1 रुपये भी कहीं वेस्ट हो। सो आई विल टर्न ऑफ कमेंट सेक्शन। सो अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते कि मैं कमेंट बंद करूं, सो प्लीज़ बी अवेयर। वैसे मैंने सेफ्टी में कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दी है, आपको नोटिफिकेशन भी मिली होगी, तो सतर्क रहा कीजिए। कमेंट में, आपके कमेंट के नीचे कोई कुछ भी नंबर लिख दे टैरोट विद एम सिंह लिख के, तो उस पर बिलीव मत किया कीजिए, ठीक है, ओके। तो हमारा जो टॉपिक है आज, कि आपके पार्टनर क्या आपको लेकर सीरियस हैं या फेक बॉन्ड है ये। सबसे पहले कुछ सिचुएशन भी बताऊंगी ताकि आप लोग रेजोनेट कर पाएँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। दो सिचुएशन, दो ग्रुप्स रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप्स की एनर्जी है। एक ग्रुप की एनर्जी बिल्कुल अलग है, दूसरे ग्रुप की एनर्जी बिल्कुल अलग है।
आप किस ग्रुप में फिट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वो सीरियस है या फेक है। पहले ग्रुप वो है जिसमें आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट दिखाते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके हर हाँ में हाँ मिलाना, आपके ना में ना हो जाना, आपकी हर बातों को सुनना, सपोर्ट करना, इवन आप गुस्सा भी करते हैं तो प्यार दिखाना, गुस्सा ना करना कभी आपके ऊपर, हमेशा प्यार ही प्यार रहना, हमेशा इस तरह से बिहेव करना जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप किसी और से बातें कर रहे हैं, इस तरह की अगर आपके पर्सन की एनर्जी है और आपको वो ये दिखाते हैं कि मुझे आप पर ट्रस्ट है, मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए मैं आपको शक नहीं करता, कभी आप लेट भी आ रहे हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर इवन कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी मेल के साथ फ़ोटो डाल दें, स्टेटस डाल दें, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें आपको ऐसा लगे कि मेरे पर्सन को असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, और वो उस पर भी कुछ नेगेटिव रिएक्ट ना करे, ठीक है, एक बार पूछे भी नहीं कि कौन है, क्या सीन है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो आपके साथ कि आपका जो पार्टनर है वो हर बात में आपको एक इंडिकेशन देता है या देती है कि मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, मेरा परिवार जो कहेगा वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है, या फिर वो आपको बेतुकी बातों पर ब्लॉक करके भागे, अगर वो आपको छोटी सी पॉइंट पर ब्लॉक करके दूर चले जा रहे हैं, छोटे से पॉइंट पे वो इमेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं, तो ये एक ग्रुप है, ग्रुप ए, ठीक है। दूसरी सिचुएशन जो दूसरा ग्रुप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वो ऐसा है कि आपके जो पर्सन है चाहे आपसे कितना भी झगड़ा कर लें, कितना भी टाइम नो कॉन्टैक्ट में चले जाएं, इवन आपको ब्लॉक कर दें, बट उन्हें आपकी केयर होती है, वो कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी लेते रहते हैं, आपके साथ होने पर अगर आप उनको कभी जेलस फील कराने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा स्टेटस लगाते हैं, कोई ऐसी स्टोरी लगाते हैं, किसी और पर्सन के साथ कुछ डालते हैं, या आप इवन आपकी जो फेसबुक पोस्ट होती है या इंस्टाग्राम पोस्ट होती है उस पर भी जो कमेंट्स आते हैं उसको भी वो नोटिस करें कि कौन आपके लिए क्या लिख रहा है या लिख रही है। अगर आपका ऑपोजिट सेक्स आपके बारे में कुछ लिख रहा है, जैसे आप मेल हैं और कोई फीमेल आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिख रही है या कोई इमोजी भेज रही है, या अगर आप फीमेल हैं और कोई मेल आपके बारे में कोई ऐसे कमेंट कर रहा है जो कि मोर देन फ्रेंड्स टाइप के हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश करते हैं, वो किस विस भी भेजने लगते हैं इमोजी में या और कुछ भी लिखने लगते हैं, तो अगर उनको इससे प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने क्वेश्चन करना सीखा है, उन्होंने आपसे हर बात पे क्वेश्चन करा है कि तुम कहाँ थे अभी तक, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, इतना लेट रिप्लाई क्यों किया, या वो आप पर गुस्सा करते हैं, वो टाइम टू टाइम आपसे झगड़ा करते हैं, अगर वो आपसे ये कहते हैं कि मेरी फैमिली में इश्यूज़ तो हैं लेकिन हम दोनों अगर साथ हैं तो कुछ नेगेटिव नहीं होगा, इवन अगर ये भी कहते हैं कि आप दोनों का अगर कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, और वो आपको ये कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इवन अगर एज डिफरेंस भी है, आप अलग एज के हैं, वो अलग एज के हैं, आप बड़े हैं, ये छोटे हैं, मे बी लड़का छोटा हो, लड़की बड़ी हो, या लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ऐसी सिचुएशन कई बार क्या होती है, शादी तोड़ने का काम करती है, कि नहीं बाद में उनको एक मौका मिल जाता है कि नहीं नहीं मेरी फैमिली तो बिल्कुल अगेंस्ट है। तो अगर ये सब जानते बूझते भी ये आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं या दे रही हैं कि हाँ तुम मुझ पर भरोसा रखो, दुनिया एक तरफ तुम एक तरफ, तो ये ग्रुप बी है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिश्ते में, कई बार ऐसा, क्योंकि मैं लव रीडिंग्स करती हूँ, बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, और मेरा जो एक एक्सपीरियंस है इतने साल का उसके बेसिस पर मैं ये बता सकती हूँ कि जहाँ पर प्यार होगा वहाँ पर पॉजिटिवनेस होगी, जहाँ पर प्यार होगा वहाँ पर झगड़े होंगे, बिना झगड़े का प्यार हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, झगड़े मतलब ऐसे मारपीट नहीं बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल एक कन्वर्सेशन में जो पॉइंट्स नहीं मिलते हैं वो वाली बात कर रही हूँ। इसके अलावा जहाँ प्यार है वहाँ पर शक होगा, वो प्यार के साथ फ्री गिफ्ट है, वो एक्स्ट्रा है, जहाँ प्यार होगा वहाँ शक होगा ही होगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी क्लोज हो, आपके पर्सन को आप पे 100% भी भरोसा रहेगा, और आप दो बार कोई ऐसा हरकत करोगे तीसरे बार में वो क्वेश्चन करेगा ही करेगा या करेगी ही करेगी कि ये क्या चल रहा है, मुझे इसके बारे में पूरी चीज़ें बताओ, मैं शक नहीं रखना चाहती या नहीं रखना चाहता, कोई टेंशन नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, ये वाली चीज़ें हैं। ग्रुप ए जो मैंने बोला था पहला वाला ग्रुप, उसमें कुछ लोगों के पार्टनर फेक हैं, मास्क लगाया हुआ है उन्होंने, अपने आप को पोर्ट्रे कुछ और किया है, वो अंदर से कुछ और है, मतलब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है, एक ऐसा इल्यूजन इन्होंने क्रिएट किया है कि आपको लगेगा
कि यार ये बंदा तो बहुत परेशान है, अगर ये थर्ड पार्टी में भी है तो आपके सामने ये ऐसे शो करेगा कि मैं तो अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, और मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ। और जैसे ही आप कहोगे कि मेरा फ्यूचर क्या है तुम्हारे साथ, तुम कब डिवोर्स लोगे या कब मेरे लिए स्टैंड लोगे अगर स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो ये पलटी खा जाएंगे। अगर आप ये कहते हो कि चलो अपने घर पे बता दो, मैं अपने घर पे बता देती हूँ, तो भी ये बैकआउट कर लेंगे, ये भागने का कोशिश करेंगे। तो ये ग्रुप एक ही एनर्जी है, मतलब उनको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपसे आपकी आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी नहीं है, पोजेसिव भी नहीं है, जेलसी भी नहीं है आपको। कई बार इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक अपने आप को सेव करने के लिए ये भी कह दिया है कि शायद तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, शायद तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो या करती हो, और फिर ये आपके पास वापस आ जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहो, आप मूव ऑन भी ना कर पाओ, लेकिन स्टैंड भी नहीं लेते। तो ये ग्रुप ए है। और दूसरा जो पर्सन है जो ग्रुप बी का, वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि मतलब ये स्टैंड भले ना ले पा रहे हो, अभी इस वक्त स्टैंड ना ले पा रहे हों, लेकिन इनका प्यार सच्चा है। इन्होंने आपको जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर आउट की हुई हैं, और इन्होंने आपको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है कि देखिए सच्चा प्यार जो होता है ना, उसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको उनके बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड से, उनके एहसासों से ही समझ में आ जाता है कि या दिस पर्सन इज़ इन लव विद मी। आप अगर सुबह से शाम तक ऑनलाइन ना हो तो भी उसे कष्ट हो जाता है, 4 बजे तक अगर वो देखेगा आपका लास्ट सीन कल का है, यस्टरडे का है, तो वो आपको बार बार कॉल या मैसेज करना शुरू हो जाएगा कि आर यू ओके। ये होता है सच्चा प्यार, इसमें आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और आप 10 दिन से आप किसी के प्यार में बहुत ज़्यादा दीवाने हो, बट 10 दिन 15 दिन उसको आपकी पड़ी नहीं है, वो आपका हालचाल नहीं ले रहा है, आप कैसे हो, क्या हो, आप बीमार तो नहीं हो, आपके घर में क्या चल रहा है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर रेड अलर्ट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए कि क्या आप एक राइट पर्सन के साथ हो जिसके पास इतने दिन में 24 घंटों में भी 1 सेकेंड नहीं है, और इतने दिन में भी 1 सेकेंड नहीं है आपके लिए कि वो आपका हालचाल ले सके। तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दो है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो भी लोग ग्रुप ए में हैं उनके पर्सन सीरियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन ग्रुप ए की जो एनर्जी यहाँ पर है, ऐसी जो सिचुएशन में है, उनके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुनिए, और कुछ ऐसा कम्युनिकेशन कीजिए जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए फ्यूचर को लेकर, ताकि आपका जो प्रेशियस वक्त है वो बेकार ना जाए, आपको पछताना ना पड़े कि मैंने इस बंदे पर या इस बंदी पर मैंने अपने 4 साल दे दिए, 5 साल दे दिए, 10 साल दे दिए। और दूसरी तरफ जो ग्रुप बी है, अगर आपका पर्सन सेपरेशन होने के बावजूद, स्टैंड ना ले पाने के बावजूद भी आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा है या खड़ी है, आपको पता है कि मैं अगर दुख में हूँ तो मेरा पार्टनर मेरे लिए है, वो ऐसा नहीं है, उसको एक लेबल की ज़रूरत नहीं है कि शादी नहीं हुई है तो मेरा तुमसे अभी कोई कनेक्शन नहीं है, तुम अपना जानो बूझो, ऐसा नहीं है, वो आपके लिए हर वक्त मौजूद है, आपके लिए वो दुनिया को एक तरफ रखता है और आपको एक तरफ रखता है। मीन्स किसी भी लव रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट तब कर सकते हैं जब आप प्रायोरिटी पर हो, उस व्यक्ति को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं और वो व्यक्ति आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है तो वो रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं है। जहाँ पर आपको प्रायोरिटी मिल रही है वही रिलेशनशिप बैलेंस्ड है। तो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहिए। आप में से जो ग्रुप ए है उनके पर्सन सीरियस नहीं हैं, जो ग्रुप बी है उनके पर्सन सीरियस हैं, और आप इस बात को स्वयं अपनी इंट्यूशन से जज कर सकते हैं। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, एक एनर्जी अपडेट, कौन सीरियस है, किसके पर्सन सीरियस हैं और किसके पर्सन सीरियस नहीं हैं, क्या क्वालिटीज़ आप देखोगे, क्या सिचुएशन आप देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्योंकि देखिए किसी का पास्ट क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है आपके साथ वो मैटर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई पास्ट होता है, वो रिलीज़ हो जाता है, जिसको आपसे प्यार होगा, आपकी आत्मा से प्यार होगा, वो आपके पास्ट को मैटर ही नहीं करेगा, वो आपके पास्ट को देखना भी नहीं चाहेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट क्या था, उसको आपके प्रेजेंट और फ्यूचर से मतलब होगा। जिस भी बंदे को ये एक्सक्यूज़ देते हुए आप देख लो कि नहीं नहीं तुम्हारा तो ये पास्ट है, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तुम्हें इस पास्ट के साथ, सपोज़ कि आपके बच्चे हैं, आप डिवोर्सी हो या विडो हो या विडोअर हो, आपके बच्चे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
आप शादी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे आप दोनों का रिलेशनशिप है, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, बहुत प्यार है, आपको विश्वास है कि मेरा पार्टनर बहुत प्यार करता है। लेकिन जैसे ही आपने शादी की बात की, उसने टर्म्स एंड कंडीशन रख दी कि नहीं नहीं तुम्हारा तो कोई पास्ट है, मेरी तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हम शादी नहीं कर सकते, हम दोस्त रहेंगे। तो फ्रेंडशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप लव लाइफ को लेकर कॉन्सेप्ट में चल रहे हो कि मेरा पर्सन सीरियस है या नहीं, तो ये बंदा सीरियस नहीं है। तो ये सारी ग्रुप ए की एनर्जी डिफरेंट है, ग्रुप बी की एनर्जी डिफरेंट है। दो एनर्जीज आई हैं, एंजल्स ने आपको गाइड किया है कि आप किस एनर्जी में अपने आप को पा रहे हैं, उसको देख लो ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में। सो दिस इज़ द गाइडेड मैसेजेस टुडे। टेक केयर, बाय बाय।